इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं, अगर हिम्मत और जज्बा हो ना तो आसमां में भी सुराग बनाए जा सकते हैं। और अगर इस कहावत को किसी ने पूरी तरह से सही साबित किया है तो वो है तथागत तुलसी। दोस्तों, हो सकता है आपने ये नाम पहले कभी नहीं सुना होगा और आप में से ज़्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर इस तथागत तुलसी ने कर क्या दिया जो हम इनके लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें किए जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे इंसान की जर्नी को अच्छे से जानते हैं जिन्होंने सिर्फ 9 वर्ष की ही उम्र में हाई स्कूल पूरी कर ली थी। तथागत तुलसी का पूरा नाम तथागत अवतार तुलसी है और इनका जन्म 9 सितंबर 1987 को बिहार के राजधानी पटना में हुआ था। इनका जन्म साधारण से मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और इनके पिता का नाम तुलसी नारायण है। ये अपने 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। तुलसी बचपन से ही दूसरों से अलग थे। 4-5 साल की उम्र में जब बच्चे खेलते कूदते हैं तब वे पढ़ाई किया करते थे और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि वो 5 वर्ष की ही उम्र में फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री की प्रॉब्लम चुटकी में सॉल्व कर दिया करते थे। पता नहीं कैसे पर बचपन से ही वो भीड़ से अलग थे। जब वे सिर्फ 6 वर्ष के ही थे तब वो बिना पेन और कॉपी के मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया करते थे और इसलिए उन्हें लोग मैथमेटिकल विज किड कहने लगे। और दोस्तों, जब वो 6 वर्ष के ही थे तभी उनकी इस प्रतिभा को मीडिया ने देखा और 14 फरवरी 1994 को उनका अखबार में पहली बार नाम आया। और बात यहीं तक ख़त्म नहीं हुई बल्कि ये तो बस शुरुआत थी। और बिहार के उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उन्हें अपने घर बुलाया और एक कंप्यूटर दिया और साथ ही कुछ आर्थिक सहयोग भी किया। और भला एक 6 वर्ष के बच्चे के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी दोस्तों। क्योंकि बिहार में अच्छी शिक्षा की फैसिलिटीज़ नहीं थी इसलिए अच्छी शिक्षा के लिए डॉक्टर बीरेंद्र पाठक, जो कि खुद सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विसेज के स्थापक थे, उन्होंने तुलसी को दिल्ली जाके अच्छी शिक्षा पाने के लिए आर्थिक मदद की और वो भी तब जब वो सिर्फ 6 वर्षों के ही थे। उनकी इस अद्भुत प्रतिभा को देख तुलसी के 6ठे जन्मदिन पर उनके पिता ने उन्हें विश्व की क्रांतिकारी व मशहूर किताबों में से एक स्टीफन हॉकिंग की लिखी किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम दिया और वो दोस्तों तुलसी ने सिर्फ 3 दिनों में ही पढ़ के ख़त्म कर डाली। तुलसी को अपनी ज़िंदगी का असली लक्ष्य इस किताब के पढ़ने के बाद पता चला। उन्होंने सोच लिया था कि वे जल्द से जल्द स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करेंगे ताकि फिजिक्स में रिसर्च कर सकें। हम में से ज़्यादातर लोग तो स्कूल की पढ़ाई को बहुत कठिन मानते हैं, रिसर्च तो दूर की बात है, पर एक 6 वर्ष के बच्चे ने ठान लिया था कि अब स्कूल की पढ़ाई जल्द से जल्द ख़त्म करनी है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये सब काफ़ी आसानी से कर दिया, अभी तो उनके सफ़र की बस शुरुआत ही थी। जब तुलसी 6ठे क्लास में थे तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की, दिन रात पढ़ाई किया करते थे, पर क्योंकि उनकी उम्र बहुत कम थी तो नियम के अनुसार उन्हें एग्ज़ाम देने से रोक दिया जाता। पर कहते हैं ना, किस्मत को भी मेहनत के आगे झुकना पड़ता है। स्कूल ने नियम तोड़ उन्हें एग्ज़ाम देने दिया। तुलसी ने एग्ज़ाम ज़रूर दिया पर रिजल्ट डे के दिन उनका नाम कहीं भी नहीं था और ये तुलसी के लिए काफ़ी अजीब सा पल था क्योंकि वो जानते थे कि उनका एग्ज़ाम अच्छा गया है, फिर भी लिस्ट में कहीं नाम नहीं था। तुलसी उस छोटी सी उम्र में काफ़ी डिप्रेस्ड हो चुके थे, पर कुछ दिनों बाद पता चला कि वो क्लास में ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल में टॉप थे। पर क्योंकि उनकी उम्र बहुत कम थी इसलिए स्कूल ने उनका नाम टॉपर्स लिस्ट में नहीं डाला। दोस्तों, फिर 1996 में गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की तरफ से एक लेटर आया तुलसी को, जिसमें ये लिखा था कि उन्हें अब एज रिलैक्सेशन मिलती है, यानी कि अब वो बिना किसी दिक्कत के प्रारंभिक पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। और ये तुलसी के लिए काफ़ी मोटिवेटिंग समय था। फिर तुलसी ने खुद से घर पर 7वीं और 8वीं की पढ़ाई पूरी की और सीधा CBSE बोर्ड से 9वीं में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। पर यहाँ उन्हें गहरा झटका लगा जब CBSE ने उन्हें उनकी कम उम्र की वजह से एडमिशन लेने से मना कर दिया। और ये काफ़ी अजीब भी था क्योंकि जब गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने तुलसी की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें एज रिलैक्सेशन दिया तो जाहिर सी बात है कि CBSE को भी ऐसा ही करना चाहिए था। इस बार उनके माता पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट में CBSE के खिलाफ अपील किया, जहाँ उनकी जीत हुई और अब तुलसी आराम से 9वीं और 10वीं की पढ़ाई पूरी कर सकते थे। 9 साल की उम्र में उन्होंने हाई स्कूल कंप्लीट किया। फिर उन्होंने BSc की पढ़ाई के लिए पटना यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, पर इस बार एक इंटरव्यू के बाद पटना यूनिवर्सिटी ने उनका एडमिशन ले लिया। पर यहाँ दिक्कत ये थी कि तुलसी चाहते थे कि वो पढ़ाई जल्द से जल्द ख़त्म करें ताकि रिसर्च कर सके, और इसके लिए उन्होंने BSc का कोर्स, जो कि 3 वर्षों का होता है, उसे सिर्फ 1 वर्ष में करने का सोचा।
और उन्हें खुद पे पूरा भरोसा भी था कि वो एक वर्ष में 3 वर्षों की पढ़ाई कर भी लेंगे। पर ये पटना यूनिवर्सिटी के नियम के विपरीत था, तो इस बार फिर उन्हें पटना हाईकोर्ट में अपील करना पड़ा और कोर्ट ने उनका एक बार फिर साथ दिया। तुलसी ने 10 वर्ष की उम्र में B.Sc पूरी की और फिर उस समय के बिहार के राज्यपाल B.M. लाल ने उन्हें M.Sc करने में मदद की। उन्होंने 1999 में 12 वर्ष की उम्र में M.Sc कंप्लीट की। फिर 2001 में उनकी इस प्रतिभा को पूरे देश ने देखा और दोस्तों D.Sc ने तुलसी को भारत की तरफ से नोबेल पुरस्कार के दावेदार के तौर पे जर्मनी में होने वाले नोबेल प्राइज सम्मेलन के लिए चुना, जो कि बहुत ही बड़ी बात थी। फिर आगे हुआ यूं कि D.Sc ऑफिसर्स ने बोला कि तुलसी का नोबेल पुरस्कार दावेदार चुनाव एक भूल थी और ये एक गलती थी। हालांकि तुलसी का कहना था कि उन्होंने जर्मनी में नोबेल पुरस्कार सम्मेलन में 3 विनर्स को अपने आइडिया शेयर किए, जिनमें से 2 तो कुछ समझ ही नहीं पाए और तीसरे को उनके आइडियाज में कुछ भी खास नहीं लगा। दोस्तों तुलसी को जैसे एक गहरा झटका लगा था इस घटने के बाद। और कहीं ना कहीं इंडियाज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि D.Sc की गलती थी यहाँ पर। पर दोस्तों कहते हैं ना, आम और खास इंसान में बस फर्क इतना सा ही होता है कि खास वो बन जाते हैं जो बार बार गिरते हैं पर लाख कठिनाइयों के बाद भी आगे बढ़ना जानते हैं, और जो एक दो बार गिरते हैं और गिरने के बाद हार मान जाते हैं वो आम ही कहलाते हैं। फिर तुलसी ने आगे पढ़ाई करते रहने का सोचा, क्योंकि उनके मन में तो बस एक ही बात थी कि उन्हें रिसर्च करनी है और इसी के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में तुलसी ने लव ग्रोवर, जो कि खुद क्वांटम सर्च एल्गोरिदम के आविष्कारक रह चुके हैं, उनके साथ मिलकर क्वांटम फिक्स्ड पॉइंट के लिए नया एल्गोरिदम तैयार किया। तुलसी कामयाब तो थे ही पर साथ ही साथ फेमस भी हो गए थे। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे 13 दिसंबर 2007 को सो माई ब्रिलियंट ब्रेन नाम से एक शो में उनका इंटरव्यू लिया गया। सिर्फ 6 वर्ष की उम्र से रिसर्च का सपना देखने वाले तुलसी अब फाइनली वो मुकाम पे आ चुके थे जब उन्होंने 22 साल की उम्र में PhD किया और खुद का नाम कम उम्र के वैज्ञानिक के रूप में शुमार किया। जुलाई 2010 में उन्हें IIT बॉम्बे की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का प्रस्ताव आया। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, इस सफर के दौरान तुलसी टाइम मैगजीन के वन ऑफ द मोस्ट गिफ्टेड एशियन यंगस्टर भी बने। द वीक ने उन्हें मास्टरमाइंड की खिताब से नवाजा, वहीं आउटलुक ने तुलसी को स्मार्टेस्ट एशियन यंगस्टर के नाम पे भी शुमार किया। मैं मानता हूँ दोस्तों कि तथागत तुलसी जैसा दिमाग अनमोल और दुर्लभ है, पर दोस्तों इससे एक बात तो साबित होती है कि हमारा दिमाग सबसे शक्तिशाली हथियार है और इसकी कोई सीमा नहीं। और जो लोग ये बोल के पीछे हट जाते हैं कि मेरे पास इतना दिमाग नहीं और मेरे से ये काम नहीं होगा, वो बस उस काम को ना करने का बहाना ढूंढते हैं। धूप में तो कांच भी हीरे की तरह चमकते हैं, हीरे की असली परख तो अंधेरे में होती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद।